Make the ground shake. Hey, what's up, guys? This is your boy Sunny Rawat, and welcome back to my channel. Yeah. And I'm back with another reaction video, baby. क्या बोलती है पब्लिक, मचा रहे होगी नहीं? जिधर भी रहने का तुम लोग मचाने का, और जिसको भी नाचने नहीं आता उसको भी नचाने का, क्योंकि जिंदगी है 4 दिन की, आज नहीं तो कल। पीनेगा पीनेगा पीनेगा, सॉरी गाइस मैं मजाक कर रहा हूँ गाइस, नहीं पीनेगा, दैट्स वेरी बैड हैबिट, से नो टू एल्कोहल। गाइस आपने बहुत ही मेरे को लास्ट वीडियो में जो मैंने बनाया था खोगा गाने पे बहुत ही प्यार दिया है, उसके लिए लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम इंडिया गाइस। आई एम सॉरी गाइस कि मैंने एक खोका गाने को रोकड़ा बोल दिया, बट विच इज नॉट, विच इज द मीनिंग इज, खोका का मतलब होता है सन। मैंने ये अंदाजा भी नहीं किया था गाइस कि इसका मतलब सन हो सकता है। आई एम सो सॉरी गाइस, उसका नाम बेटा होता है। एंड जैसे कि मैंने लास्ट गाने पे जब वो सुना था गुजमिल गुजमिल, वो वर्ड मेरे मुंह पे ऐसा छा गया था मैं कि ऑफिस में काम करते करते मैं अचानक से चिल्लाने लगा गुजमिल गुजमिल, तो पब्लिक ऐसे देखने लगी, व्हाट इज टेलिंग मैन, व्हाट इज हैपनिंग। सो गाइस उसका भी मतलब लोगों ने बहुत ही कमेंट करके बताया है, इतना सपोर्ट करते हैं ना मेरी जान, इतना सपोर्ट करते ना तुम लोग, तो बहुत अच्छा लगता है और वीडियो बनाने का बहुत ही इंटरेस्ट आता है, मन करता है मैं रोज बनाऊं, बट ऐसा नहीं हो सकता गाइस बिकॉज माय ऑफिस शेड्यूल। तो सैटरडे को टाइम मिलता है तो सैटरडे बैठ जाता हूँ काम पे अपने थंदे पे और बना रहा हूँ वीडियो। क्या बोल दे पब्लिक, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, ठोकने का कमेंट। गाइस एक बात बोलना चाहता हूँ गाइस, पता है मुझे वो पोस्टमार्टम था, बताओ मत मुझे, थैंक यू। ठीक है गाइस, मेरे को पता था पोस्टमार्टम में, मैं पोस्टमार्टम ही बोला था स्टार्टिंग में पहले, बट वो उसके पैर पे जो धागा बना था इसके वजह से मैंने बोला कि पोस्टमार्टम नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर इतना मेहनत से कुछ काम कर रहे तो वो सर्जरी कर सकते हैं गाइस, मरे हुए आदमी का इतना ध्यान से कोई नहीं करता, उसको ताजा फोड़ के निकाल के, मैंने पोस्टमार्टम के बहुत वीडियोस देखे हैं गाइस, ऐसा फोड़ के उसको निकाल के रख लेते हैं, वो ऑपरेशन ही ऐसा होता है। सो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज था, फिर भी आप लोग ने बताया, थैंक यू सो मच। सो गाइस छोड़ो ये सब बकचोदी, लेट्स बैक टू द वीडियो। एंड वो जो भाई गा रहे थे ना गुजमिल गुजमिल, वो लेजेंडरी है, मेरे को एक बिप्लोब हुसैन जी ने कहा है 2 दिन पहले, बोला है कमेंट पे कि गुजमिल का मतलब है बैम्बू, और बहुत लोग ने बोला मैनिपुलेशन, ओके, और जिसने गा रहा है वो लेजेंडरी फेरटोस वाहिद है, फादर ऑफ हबीब वाहिद, ओके सॉरी गाइस, बट उनका एक स्वैग मुझे बहुत अच्छा लगा गाने में। सो गाइस आज जिस वीडियो में मैं रिएक्शन दूंगा उसका नाम है फिरे तो पाबो ना बाय हृदय खान। बहुत लोग ने बोला है, 1, 2, 3, 4, 5 और भी बहुत कमेंट आए हैं गाइस। सो सबसे एक लड़की ने कमेंट किया था हदीका हुमराया ने कर, और उस पर 21 लाइक आ गए, मतलब लोग चाहते कि उस पर मैं रिएक्शन दूं, ओके प्लीज रिएक्ट ऑन फिरे तो पाबो ना बाय हृदय खान। ओके गाइज आपका रिक्वेस्ट मैं आज पूरा करता हूँ, सैटरडे तो मतलब बना लेता वीडियो, और आपसे बहुत इंस्पायर हूँ मैं, क्योंकि आप लोग इतना कमेंट करते हो, इतना बताते हो, इतना प्यार देते हो वीडियो में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, आज मैं वीडियो पर रिएक्शन दूंगा हृदय खान। एंड ऐसा नहीं है गाइज कि मैं कुछ, आप लोग बोलते हैं कि पहले गूगल कर लिया कर, मतलब पहले गूगल इन्वेस्टिगेट कर लिया कर फिर दिया कर, ओके गाइस सॉरी कि मैं खोखा गाने पर थोड़ा नहीं दे पाया, मैं घाई घाई में बना दिया था, बट ये वाले हृदय वाले पे मैं थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया हूँ। एंड फिर तो पापोना का मतलब मुझे नहीं पता है क्या है, मैं ट्रांसलेशन में भी देख रहा हूँ तो तभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसका मतलब क्या है, फिर भी मैं इधर आपको बता देता हूँ कि फिर तो पापोना का मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट मैं अपने हिसाब से बोलूँ तो फॉरगेट मी फॉरगेटन करके मेरे हिसाब से है, क्योंकि गाने का जैसे हूबहू ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया है मैंने, वो निकाला है पेज, मतलब जहाँ ट्रांसलेशन किया है, फॉरगेट मी फॉरगेटन हाइड अलोन यू लिव द वॉल इन हार्ट वे यू लूज टूडे माई स्काई बरिसन, या बरिसन आई डोंट नो उसका मतलब क्या है, द माइंड इज कवर्ड विद द ब्लैक क्लाउड आई कैन नॉट गेट बैक हाउ आर यू। सो गाइस ये तो आधा था और भी बहुत सारे हैं। सो गाइस राइट नाउ आई एम इन द पेज ऑफ फिरे तो पाबो ना बाय हृदय खान फिट राज तिल्लायम्पलम, ओके सेकेंड टेक फटाफट बोलूंगा, तिल्लायम्पलम आई होप राइट हूं, नहीं फिर से तिल्लायम्पलम आई होप राइट हूं मैं। सो गाइस बांग्ला हिट सॉन्ग फुल एचडी और इस पे 4 मिलियंस व्यू है।
सो अगर आपने भी देखा नहीं देखा है सो मेरे साथ देखिए, मतलब प्लीज सी टुगेदर, रिएक्ट टुगेदर एंड लाइक आई वाज से वॉच विद मी. प्रेजेंट्स वो तो समझा नहीं मेरे को. मल्टी सोर्सिंग ब्रो, आई एम अ सिंक बी म्यूजिफाइड. बारिश का टाइम গেছো ভুলে আমায় আড়ালে একা, হৃদয়ে দেয়াল তুলে তোমার হারালে কোথা, আমার আকাশে আজ বরিশরণ কালো মেঘে ঢাকায় মন. কেন হলো এমন ভেঙে দিলে মন, ফেলে গেলে সুদূরে এত ভালোবাসা, মনের যত আশা হারিয়ে গেল কোন ঝরে. फोन किया लड़के ने, अब ये उठा दिया, अब कुछ होने वाला लग रहा है. सच अ रोमांटिक सॉन्ग, लव इट. पीछे आशा मानी मन भंगा है खेला.
जंबो फिल्म्स प्रेजेंट। काफी मजा आया गाना सुन के, फिर तो बाबो ना वेल ने रा। सो गाइस, अभी मैं उसके वीडियो के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ। जब स्टार्ट हुआ वीडियो, सो इट वाज लाइक वेरी मतलब डार्कनेस था एंड एक पंछी भी थी, वो कलर एक बैकग्राउंड चूज किया था, बहुत अच्छा लगा मेरे को कि वो ब्लैक कपड़ा पहना है और लड़की ने व्हाइट पहना है एंड वो डार्कनेस भी पूरा रहता है, पूरा ब्लैक ब्लैक रहता है। बट मुझे एक जगह कुछ थोड़ा सा डाउट है, प्लीज क्लियर कर देना। मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ क्योंकि जब वो गाना गाते रहता है वो मर चुकी रहती है, शायद वो जहर खा के मर चुकी रहती है। तो लड़का ऐसे बाजू में रहता है, लेके जाते हैं उसको, मतलब पोस्टमार्टम के लिए लेके जाते हैं और वो उधर ही बैठा रहता है। सो मेरे ख्याल से ये मुझे समझ में नहीं आया। फिर लास्ट में वो ब्लैक कलर का पहन के वो ऐसे उनको लेके खड़ा रहता है उस लड़की को, तो ये थोड़ा चीज मुझे समझ नहीं आया। बट गाना वॉज फैंटास्टिक। अभी मैं कुछ बोलूंगा कि मेरे हिसाब से ऐसा है तो लोग बोलेंगे अबे क्या बोल रहा है, तेरे को समझ में नहीं आता क्या गाना सुनने, समझ में नहीं आता क्या वीडियो देखने। सो गाइस, इसलिए मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज उधर। सो गाइस, उसी वीडियो के एकदम कमेंट के नीचे आ गया हूँ और राज थिलयम्पलन जी ने कहा है, दिस इज राज फ्रॉम श्रीलंका, कंपोजर ऑफ सॉन्ग, थैंक यू ऑल, वी आर स्टिल गेटिंग द कमेंट्स फ्रॉम बोथ सॉन्ग्स सेइंग इट्स अ कॉपी ऑफ ईच अदर, प्लीज नोट दैट दिस इज नॉट अ कॉपी, इट्स माय ओन मेलोडी, वी यूजली डू अवर सॉन्ग्स इन द डिफरेंट लैंग्वेज इन श्री it, so please treat the version not copy and thanks a lot for accepting my request. So guys, इस main video के official video के नीचे ऐसा लिख के आया है कि लोग बोल रहे हैं कि copy है, but क्या पता मुझे भी कि ये copy है कि नहीं, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ तो मुझे कहीं से ऐसा क्लिक नहीं हो रहा है कि ये कॉपी है। वीडियो बहुत अच्छा लगा, वीडियो में जान था, वीडियो में एकदम जान लगा मेरे को उस लड़की के लिए, उसके फीलिंग्स है उसकी, उससे प्यार करता है वो, शायद वो मर गई है उसके लिए वो मना रहा है ऊपर वाले से, ऐसा कुछ है, बताने की कोशिश की है। गाने में उसको लेके खड़ा रहता है, वो मरना देना नहीं चाहता है, वो एकदम प्यार रहता है। कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस, गाना फैंटास्टिक, ओवरऑल गाना भी अच्छा है और कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगा मुझे। वीडियो का सिनेमेटोग्राफी भी बहुत अच्छा था गाइस, जिस तरीके से उसे एग्जीक्यूट किया है, जिसे दिखाने की कोशिश की, आई लव दिस कॉन्सेप्ट। मुझे ये डार्कनेस देख के बहुत अच्छा लगा एंड क्लोथ्स हरा पीला नीला ऐसा कुछ नहीं था, एकदम प्रॉपरली गाइस ब्लैक एंड व्हाइट, विच इज माय ऑल टाइम फेवरेट, ब्लैक या व्हाइट। मैं हमेशा ज्यादा फंक्शंस में जाता हूँ तो कोट, ब्लैक कोट पहन के ब्रो, और व्हाइट कभी कभी टी शर्ट पहन के अंदर से, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो गेटअप एंड वो वैसा वीडियो देखने मिले ब्लैक एंड व्हाइट वाला, तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को गाइस। सो ओवरऑल द वीडियो वॉज परफेक्ट, नो कमी इसमें, गाना भी परफेक्ट था, ना 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 तो अच्छा लगा मेरे को एकदम, मतलब ऐसा सेटिस्फैक्ट था। सो गाइस, अगर आपको मेरा ये रिएक्शन पसंद आया सो गिव इट अ बिग थम्स अप, इफ यू वांट मी टू रिएक्ट ऑन एनी अदर वीडियो सो मस्ट कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, टिल देन व्हेयरएवर यू वांट, मतलब कुछ भी कर सकते हो तुम, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ 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 कुछ, टिल देन peace.